सर पोल्ट्री लाइन में सबसे जो बड़ी समस्या रहती है मार्केटिंग की, है ना, तो वो भी आपको आई होगी, वैसा भी आपने चैलेंज फेस किया होगा, तो किस तरीके मार्केटिंग से हम खुद ही अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे साथ जो समूह हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के किसान हैं जो हमको मदद करते हैं बेचने में, अंडा बिकवाने में या चूजा बिकवाने में, या वहीं से उन लोगों की मांग आती है तो हम उनको सप्लाई करते हैं। जी अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ आपका फार्म, आपने कितने बाय कितने का शेड बना रखा है, जो शेड बना रखा है आपने, और उस ये पे लगभग कितना खर्चा आ मेरा गया? ये तो शेड छोटा ही है, इसमें दो कमरे हैं, एक 15x10 का है, एक 10x12 का है, ऐसे दो कमरे, एक में मेरा रहायश है उसमें मैं रहता भी हूँ, कुछ असील के मुर्गे हैं जो अलग अलग केजों में रखता हूँ उसी में, ऐसे करके चल रहा है, अभी धीरे धीरे उसको बढ़ाना है शेडों। तो सर आपने जैसे लोन की बात करी, वैसे क्या स्कीम थी गवर्नमेंट की, अगर आपने वो NRLM की स्कीम थी राष्ट्रीय पशुधन मिशन में शासन द्वारा, क्यों चूंकि मैं शासकीय कार्य मैंने किया था तो मेरा मतलब लोन हो गया था और उसमें करीब 40 लाख रुपए का लोन है वो, और उसमें आधी सब्सिडी है, 50% सब्सिडी थी उसमें शासन की। अच्छा 20 लाख की सब्सिडी थी, यानी 20 लाख की सब्सिडी थी। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में, और दोस्तों आज मैं आपको मिलवाऊंगा अनिल महाले जी से, जिन्होंने क्या किया अपने शहरी जीवन के साथ साथ में उन्होंने कुछ जमीन अपनी शहर से बाहर खरीदी और वहां पे ये देसी मुर्गी फार्म कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, लगभग 10 साल से वो पोल्ट्री लाइन में है, तो उनसे हम कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लें भाई किस तरीके से वो इस लाइन में आए और किस तरीके से इसको वो प्रॉफिट ले रहे हैं, किस तरीके से इसका पालन कर रहे हैं, जितनी भी जो जानकारी है छोटी से लेकर बड़ी तक वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्म में भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूं, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी, साथ में जो पोल्ट्री फार्म में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्म में भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, थोड़ा अपने बारे में और अपने इस देसी मुर्गी फार्म के लोकेशन के बारे में बताएं। मैं अनिल महाले जी, ग्वालियर के पास ये बंधौली के पास सियारा गांव में मैंने जमीन खरीदी और ये अपना देसी मुर्गी पालन का ये कार्य मैंने शुरू किया जी। इसमें सभी तरह की ब्रीड के बच्चे हैं जो छोटे छोटे किसानों को अपन चूजे बनाकर उनको दिए जाते हैं, 20 दिन के, 21 दिन के या 30 दिवसीय, जैसे किसान मांगता है उसको अपन चूजे प्रोवाइड कराते हैं। छोटे छोटे किसान जुड़े हुए हैं जो 100-100, 200-200 पालते हैं, उनको अपन चूजा उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध करवाते हो। सर सबसे पहले तो मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, आप इससे पहले क्या करते थे और आपका इस लाइन में कैसे आना हुआ? मैं इससे पहले ब्रॉयलर फार्मिंग करता था जी, करीब 10 साल पीछे ब्रॉयलर में बहुत सारी बीमारियां आने लगी, ब्रीडें बहुत एडवांस हो गई और रेटों का बहुत उतार चढ़ाव हुआ करता था, तो हमने FFG पहले पाला जी, तो FFG मुर्गा मुर्गी बेचने में थोड़ी समस्याएं आई, उसके बाद वो मुर्गियों ने अंडे दिए तो हमने एक मशीन महाराष्ट्र में हमारे एक डॉक्टर साहब थे उनके यहाँ रखी थी, तो वो मशीन लाकर अपन ने उसमें चूजे निकालना शुरू किए। उसको चूंकि लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बिजली का संकट था यहाँ ग्वालियर में, तो अपन ने उसको LPG और सोलर से उसको क्रियान्वित किया जी सर, और वो करीब 2500 का इनक्यूबेटर है और उससे मैं चूजे निकालता हूँ, समय समय पर लोगों को उपलब्ध कराता हूँ, जैसे किसान भाई मांगते हैं अपन चूजे उनको उपलब्ध कराते हैं जी सर, अपन पालन भी करते हैं, कुछ बाजार में आटो में बेचते हैं और सारे क्षेत्र में अपन बांटते हैं। मेरे पे शासकीय मदर यूनिट भी रही है पिछले मुरार की, पिछले वर्षों में तो शासन का भी कार्य किया अपन ने, और जिला पंचायत में महिला समूहों को अपन ने कड़कनाथ के चूजे आवंटित किए जी, तो ऐसे मैंने अपनी शुरुआत की जी, और अभी भी वो कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, चल रहा है।
सर पोल्ट्री लाइन में सबसे जो बड़ी समस्या रहती है मार्केटिंग की, है ना, तो वो भी आपको आई होगी, वैसा भी आपने चैलेंज फेस किया होगा, तो किस तरीके से आप खुद ही अपने लोगों से जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ जो समूह हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के किसान हैं जो हमको मदद करते हैं बेचने में, अंडा बिकवाने में या चूजा बिकवाने में, या वहीं से उन लोगों की मांग आती है हम उनको सप्लाई करते हैं जी। मतलब धीरे धीरे आपने, हमारी सेल्फ मार्केटिंग है, सेल्फ मार्केटिंग है, खुद मार्केटिंग करते हैं खुद ही। सर कैसे मार्केटिंग करते हो, थोड़ा सा इस बारे में बताओ आप। हम शुरुआत में तो हम अपने प्रोडक्ट को जो स्थानीय हाट बाजारों में ले जाया करते थे, तो वहाँ से लोगों को जिनको जैसे चूजे चाहिए तो वो हमारा नंबर नंबर ले जाया करते थे और उनकी जैसे आवश्यकता होती थी तो हम उनको चूजा वहाँ पहुँचा दिया करते थे। ऐसे करके हमने धीरे धीरे अपनी मार्केटिंग चालू की जी। और आज काफ़ी समय से हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, बाहर से भी चूजे मंगवा के दे देते हैं जी। और यहाँ जैसे हम पे नहीं उपलब्ध होते हैं तो बाहर से मंगवाते हैं, और अपने पास उपलब्ध होते हैं तो अपने पास का देते हैं, जैसे किसान की जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से हम कार्य करते हैं जी। अच्छा सर मैं देख रहा था कि आप शहर में भी रह रहे हो ना, हम आपके घर भी गए, आपका एक शहरी जीवन भी है और यहाँ पे आपने जमीन परचेज भी की हुई है, तो मतलब काफी दूर पड़ रहा है आपको, तब भी आपने ये मतलब इसका पर्पज क्या है जमीन लेने का यहाँ पे इतनी दूर, सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग का ही है? वो मेरे को वहाँ शहर में समस्याएं आ रही थी क्योंकि चारों तरफ घर वर बन गए, पुराने समय में वहाँ फार्म थे, आज वो जगह पूरी शहरीकरण में चली गई है और पोल्ट्री के लिए समस्याएं पैदा हो गई हैं, तो वो बाहर तो अपने को जाना ही पड़ता है जी, जब अगर शहर में अपने को अगर बड़े स्तर पे करोगे तो फिर जगह चाहिए तो फिर अपने को अपनी जमीन खरीदना ही पड़ेगी जी बिल्कुल। किराए की पहले कुछ वर्षों तक मैंने 10 साल करीब किराए के फार्म चलाए, बाद में फिर अपने पैसे इकट्ठे करके और मैंने जमीन खरीदी जी, तो ऐसा मेरा रहा सफर। अच्छा सर आप फिलहाल देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, आपने बताया प्योर देसी भी है, गावरान भी जिसे बोलते हैं, गावरान भी है, असील भी है, कड़कनाथ भी है, मतलब आपने मिक्स ब्रीड रखी हुई है। हाँ, क्योंकि ऐसा रहता ना कि कोई, अब क्या हो गया है कि किसान को, कोई किसान 10-12 हजार मांग रहा है जी, जी बच्चे मांग रहा है 10-20, जैसे आप वीडियो में देख लेते हैं लोग तो उस हिसाब से मांगते हैं, फिर अपन स्पेशल ब्रीड रख नहीं पाते हैं ज्यादा, तो हमने कुछ मिक्स ब्रीड पे काम करने की सोची के वो, और उसमें मालूम ही पड़ जाता है किस ब्रीड में कितनी इम्यूनिटी है, कैसा वो रह सकता है, उसका क्या रख रखाव है, या एक्सपीरियंस भी कर रहे हो आप। हाँ, मृत्यु दर वगैरह कैसी क्या रहती है और मिक्स में सारा कुछ मालूम पड़ जाता है। और वैक्सीनेशन हम करते हैं, लसोटा इनको महीने में एक बार पिलाते हैं हर पक्षी को, और अपने पास हैं ये सारे पक्षी सब तरह के। जैसे सर आपने बताया कि मैंने मल्टीपल जो ब्रीड रखी हुई है, उसका कारण ये है कि हम अलग अलग जो मार्केट में लोग आते हैं वो अलग अलग ब्रीड खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक मार्केटिंग का सोर्स है कि अलग अलग ब्रीड पे, तो जो फार्मर भाई है उनको एक ब्रीड पे काम करना चाहिए, मल्टीपल ब्रीड पे काम करना चाहिए आपकी तरह, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है 10 साल का। जैसे मैं बताऊं ना आपको कि अगर उनके मार्केट में जो जिस चीज की मांग है उस हिसाब से काम करें, अगर मांग नहीं है, अपन ने भाई ब्रीडें पाल ली हैं तो उसको फिर क्या होता है कि बाजार में जो कटर बैठे हैं जो दुकानदार हैं वो आपको उसका उचित भाव मिलेगा नहीं और आपको मुनाफा होगा नहीं। बिल्कुल, तो सेल्फ मार्केटिंग में ये है कि अपने को मुर्गा बेचते हैं अपन तो अपने हिसाब से बेचते हैं कि भाई 1000 रुपए का है मुर्गा है, 1200 का है, 800 का है, अपने हाथ में है, वहाँ ग्राहक और आप स्वयं रहते हैं, दोनों लोग साथ में होते हैं, जहाँ पे अपनी बात बनती है वहाँ पे उसका सेल परचेस का काम होता है, तो व्यापार का नियम ही यही है। अच्छा सर मैं देख रहा हूँ आपका फार्म, आपने कितने बाई कितने का शेड बना रखा है, जो शेड बना रखा है आपने और उस पे लगभग कितना खर्चा आ गया? ये तो शेड छोटा ही है, इसमें 2 कमरे हैं, एक 15x10 का है, एक 10x12 का है, ऐसे 2 कमरे, एक में मेरा रिहायश है उसमें मैं रहता भी हूँ, कुछ असील के मुर्गे हैं जो अलग अलग केजों में रखता हूँ उसी में, ऐसे करके चल रहा है, अभी धीरे धीरे उसको बढ़ाना है शेडों, कुछ लोन वोन का भी था तो अभी लोन वोन में थोड़ा मैं रुक गया हूँ क्योंकि अभी मतलब थोड़ा समय लगेगा उसको। आपने लोन की बात करी सर, ठीक है, लोन जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी
है ना, उस पे ले लो आप। एनआरएलएम का लोन है, प्रशासन ने अप्रोच भी किया, अधिकारियों ने भी बोला कि आप आपको हम दिलवा देते हैं, बैंकों से भी बात हुई, तो सारा कुछ देखा। तो उसका फिर बाद में ये है ना कि भाई अगर उसका अगर अपन ठीक तरह से नहीं चला पाए तो उसमें समस्याएं हैं कि ईएमआई कैसे होगी, कैसे भरी जाएगी, उसमें कई सारी समस्याएं आ रही थी। अच्छा, और बच्चे पढ़ रहे थे तो अपने ऊपर आर्थिक दबाव आ जाता, रिस्क है, रिस्क है ज्यादा थी, और भाई सारा मेंटेन करने के लिए बाहर से ज्यादा पैसा उठा के, और मार्केट कम है तो फिर अपन नहीं सर्वाइव कर पाते, अपन मतलब अपने ऊपर आर्थिक संकट और आ जाता, इसलिए अपन ने धीरे धीरे करने का विचार किया। अच्छा। आराम से धीरे धीरे करो। तो सर आपने जैसे लोन की बात करी, वैसे क्या स्कीम थी गवर्नमेंट की, अगर आपने? वो एनआरएलएम की स्कीम थी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में शासन द्वारा, क्यों चूंकि मैं शासकीय कार्य मैंने किया था तो मेरा मतलब लोन हो गया था, और उसमें करीब 40 लाख रुपए का लोन है वो, और उसमें आधी सब्सिडी है, 50% सब्सिडी थी उसमें। अच्छा, शासन की। अच्छा, 20 लाख की सब्सिडी थी, यानी 20 लाख की सब्सिडी थी। जी जी जी। अच्छा सर ये बताओ, जैसे मैं देख रहा हूँ आपने फ्री रेंज एरिया भी काफी दे रखा है, इसको अरंडी बोलते हैं, जो अरंडी का जिसका तेल बनता है, वो पौधे भी लगा रखे अच्छे खासे, तो मैं कुछ कारण जानना चाहूंगा भाई आपने अरंडी के पौधे तो इसलिए लगाए हैं कि वो गर्मियों में उनको छाई की आवश्यकता होती है जी, क्योंकि दिन भर मुर्गे अपने फ्री रेंज घूमते हैं तो उनको चूंकि धूप धूप से बचाव के लिए इसलिए अरंडी के पौधे अपन ने लगा रखे हैं जी, कि ज्यादा गर्मी पड़े तो वो छाए में बैठ जाएं, बाकी फ्री रेंज में पानी वानी के बर्तन लगा देते हैं तो वो अपना पानी वानी पीते हैं और बाकी चर रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हो मुर्गे बाहर, हाँ, बाहर भी वहाँ भी गए हुए चारों तरफ जाते हैं, तो थोड़ी देख रेख करना पड़ती है, बाकी तो जाली का है अब चारों तरफ, पर वो तो अभी अपने को थोड़ी सी नजर रखनी पड़ती है, कोई बाहर का जानवर कुत्ता वगैरह ना आ जाए या नेवला वगैरह ना खा ले, क्योंकि कई सारे हैं हमारे पास, छोटे बड़े सब तरह के हैं। जी जी जी। अच्छा सर आप को काफी लंबा एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो जो कोई नया पोल्ट्री फार्मर भाई इस वीडियो को देख रहा है बैठ के, अगर वो फार्म करना चाहता है तो उसको क्या सलाह दोगे आप? हम तो उसको यही सलाह देंगे कि धीरे धीरे मतलब छोटी मात्रा में पहले खुद का तजुर्बा हासिल करें, उसके बाद जैसे उनका मार्केट बढ़ता है उस हिसाब से फिर प्रोडक्शन निरंतर किया जाए, जिससे कि वो अपना मतलब जीवन यापन ठीक से कर सकें और आर्थिक उनका उपलब्धता उनको हासिल हो। जी सर जी। अच्छा सर आपने बताया कि आप चिक्स भी प्रोवाइड करवाते हो। हाँ, चिक्स देते हैं, तो लगभग कौन सी नस्ल का चिक्स प्रोवाइड करवा देते हो और हम क्या? सारे चूजे प्रोवाइड करवा देते हैं, कड़कनाथ, आरआईआर और सोनाली और ब्लैक ऑस्ट्रोलॉग, ब्रॉयलर के भी चिक्स प्रोवाइड करा देते हैं, किसी को ब्रॉयलर चाहिए वो ब्रॉयलर भी दिलवा देते हैं, मतलब ऑल चीज की अवेलेबिलिटी रहती है अपने पास में। हाँ भाइयों देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फार्मर भाई है, काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तो अपने ये समझ से खरीदे, इनसे मिलके खरीदे, मतलब मिल सकते हैं आपसे, है ना, डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। मैं मुरार रहता हूँ, सैनिक कॉलोनी में मेरा निवास है और मैं यहाँ सियारा में फार्म है, यहाँ फार्म पे भी रहता हूँ, मेरा नंबर है 98933-62087-9893362087, अनिल महाले मेरा नाम है और दादू पोल्ट्री फार्म के नाम से मुझको लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप अपनी समझ से खरीदें, बाकी सर जेन्युइन ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फार्मर भाई मिलके खरीदे, मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन करवाएं ये सब, है ना। और सर आप पहले मिल ले, मेरे पास आए भाई, वो अपना वो बताए कि भाई मेरे पास कितनी जगह है, क्या है, फार्मर ज्यादा चूजे डाल लेता है और फिर वो नुकसान खाता है, कई सारे फार्मर हैं ऐसे, उनने आरैया डाले, आदमी तो कहता है 1000 मुर्गे डाले तो 1000 अंडा होगा, ऐसा नहीं होता है, जितना अपन जिस हिसाब से अपन उनको खिलाई पिलाई और देख रेख करेंगे उसी हिसाब से होता है। अब 1000 चूजे आपने पाले और कम से कम आपको 1500-2000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, कम जगह में डाल देते हैं, फिर किसानों को नुकसान होता है और अब वो जो उनको चाहिए प्राप्त करना है वो कर पहुंच नहीं पाते वहां तक मंजिल तक, और फिर बीच में हताश हो जाते हैं और फिर उनको भारी नुकसान होता है आर्थिक, जिससे कि वो फिर ये पोल्ट्री की तरफ सोचते भी नहीं है। देखो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो भी नया कोई पोल्ट्री फार्मर भाई फार्म करना चाहता है तो प्लीज वो किसी भाई का फार्म देखे, ऐसे जो एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर है उनसे मिले, उनके बारे में समझे,
फिर जाके वो पोल्ट्री फार्म करे। तो सर धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। बाकी सर का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वीडियो की शुरुआत में सर का पूरा प्रॉपर एड्रेस भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद सर। नमस्कार किसान भाइयों।